उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हर बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरे पास एक और बहुत मज़े की रेसिपी है। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों दोनों में बहुत पसंद की जाती है। बहुत इजी सिंपल रेसिपी है। ये रेसिपी चाहे ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार करें, बहुत मज़े के बनते हैं। ये रेसिपी है जनाब हैश ब्राउन की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रीडियंट्स चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ मेरे पास आलू हैं, ये चार मीडियम साइज़ के आलू हैं। ऑयल चाहिए होगा, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर है, अराउंड 1 टीस्पून के सॉल्ट है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर है, दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। छील कर इन्हें ग्रेट कर लेंगे। पानी में ही हमने इसे करना है, ठंडा पानी हमने लिया है। आलू को हमने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है कि हमारे सारे हो गए। अब आलू को इस पानी से निकाल के ये बिल्कुल ठंडा पानी है जो हमने फ्रीजर में रखा था, कोल्ड वाटर बिल्कुल, इसमें हम डाल देंगे सारा। और अब इस पानी में हम तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इन्हें रख देंगे। तकरीबन इसे पानी में इस तरह रखे हुए 15 मिनट्स हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं, सारा पानी ड्रेन आउट कर लेंगे। अब एक किचन टॉवल ले लेंगे, कोई भी मलमल का कपड़ा वगैरह भी ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह लेके हम रख लेंगे। आप इस पर डाल लेंगे सारे आलू। पानी अच्छे से इसमें से सारा ड्रेन आउट करना है, क्योंकि अगर पानी होगा तो फिर हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से कर लेंगे ताकि जितना भी और पानी हो वो सारा पानी अच्छे से इससे निकल जाए। पानी नहीं इसमें रखना, हमने सब निकाल देना है। बहुत अच्छे से हमने निकाल लें। अब एक ड्राई टॉवल लेके इसमें इस तरह से फैला के रख देंगे ताकि इसका तमाम जो पानी है जो बचा हुआ वो भी निकल जाए और इसमें ज़रा भी नमी ना रहे, ठीक है। इस तरह हम इसे रख देंगे इसे थोड़ी देर के लिए। अब एक पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर है ये डाल लिया है। ये हमारा बटर मेल्ट हो गया। अब इसमें हम ये अपने आलू डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें फ्राई करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा फ्राई हुआ तो हमने इसमें ये रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट जो है वो हमने ऐड कर दिया और थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। दो ही मिनट करना है, 2 मिनट हो गए, बस हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल डाल लेते हैं। बस तकरीबन इतना ही डालेंगे हम। अब ये ठंडे हो गया आलू, तो अब इसमें हम ये कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर ये दोनों हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करना है। इस तरह से अच्छा सा हमने हाथ से अच्छे से मिक्स करना है।
बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना सारा। इस तरह से जो साइज लेना हो हम इसे ले लेंगे, एक बॉल से बना लेंगे पहले। प्रेस करके इसे शेप देंगे इस तरह। इस तरह की शेप बन जाएगी। ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिए। अब इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा हीट अप हो गया है, मगर हमने बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे रख के हमने थोड़ा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया। अब हम इसमें डालते हैं अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात से रखना है। एहतियात से हमने उठाने हैं। और इस तरीके से रखते जाना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, फ्राई करना है जब तक इन पे कलर ना आ जाए। अभी डालते ही हम इन्हें टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर इन्हें फ्राई होने देंगे, 2-3 मिनट के बाद इनके हम साइड चेंज करेंगे। अब हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो रहे हैं, इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें साइडों से हम देख सकते हैं कलर आना शुरू हो गया। अब हम इसे साइड चेंज करते हैं इनकी। 3 से 4 मिनट हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात से करने हैं। अब हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब इस साइड से भी इसे 2 मिनट पकाएंगे। अच्छे से कलर आ गया, अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आराम से निकाल लेंगे। सारा ऑयल इस तरह से निकाल लेंगे। बच्चों को तो ये बहुत पसंद होती है। इस तरह ऑयल निकाल लेना हमने। इस तरह से हमने स्टैंड पे रख दिया इसे। ये हमारे मजेदार से हैश ब्राउन रेडी हैं। देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। मैं
मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा, देखिए कितने क्रिस्पी हैं। जबरदस्त बने। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चलते चलते आखिरी बात, खुश रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।